गाजीपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच बुधवार को एक दुखद खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण की वजह से गाजीपुर में बुधवार को 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक गाजीपुर में इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक के आंकड़ों से ये बात साफ हो गई है कि गाजीपुर में कोरोना वायरस को हल्के में लेना आपकी जान के लिए भारी पड़ सकता है। बुधवार को गाजीपुर में कुल 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक गाजीपुर में 2,315 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो गाजीपुर में ये संख्या 594 पहुंच गई है। गाजीपुर में अब तक 48,569 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इनमें से 46,007 सैंपल के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 2,552 सैंपल के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। बुधवार को मिले 68 मरीजों में से 3 देवकली के हैं। इसी तरह से 9 मरीज सुहवल से मिले हैं। सादात के 5 मरीज, भावरकोल के 3 मरीज हैं। मोहम्मदाबाद, मालिकपुरा, लंका सदर, गाजीपुर, पुलिस लाइन, सोनाड़ी आदि जगहों से भी कोरोना के मरीज पाए गए हैं। गाजीपुर में इस खतरनाक बीमारी से अब लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस बीमारी से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप सारे नियमों का पालन करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपके इम्यून सिस्टम का भी मजबूत रहना जरूरी है। अपने फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें, योग करें और सबसे जरूरी है कि बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। अगर निकले भी तो सारी सावधानियों के साथ। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।